हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हेल्दी और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्रोटन एक बहुत फेमस इंडोर प्लांट है जिसमें बड़े आकार की भी पत्तियाँ रहती है रंगी बिरंगी, और इस तरह से छोटा क्रोटन प्लांट भी रहते हैं छोटी पत्तियाँ गोल्ड एंड येल्लो कलर की। तो इसमें गोल्डन या येलो कलर या तो ग्रीन मिक्स रहते हैं। इनकी कई सारी वराइटीज़ रहती है, 4 या 3 वराइटी में ये अवेलेबल रहता है। तो मेरा ये क्रोटन प्लांट ग्रीन एंड येलो स्पॉटेड वाला है। तो इस रंगीन पत्तियों वाले पौधे को कई लोग घर की छत पर, बालकनी में, बेडरूम में और ऑफिस में भी रखते हैं। ये सजावटी पौधे की कई सारी किस्में होती है, जिससे पेट्रा क्रोटन और गोल्ड स्टार क्रोटन ज़्यादा लोकप्रिय है। कई सालों तक चलने वाले क्रोटन इस पौधे को अच्छे से बढ़ते रहने के लिए सही मात्रा में रोशनी, ब्राइट लाइट, खाद, पानी और नमी की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें कम या ज़्यादा होने पर क्रोटन प्लांट की पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती है और पौधा सूखने या मरने लगता है। क्रोटन पौधे की इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए उसकी सही देखभाल करना ज़रूरी होता है। घर पर लगे क्रोटन के पौधे प्लांट की देखभाल केयर कैसे करें, इसकी पत्तियाँ क्यों गिरती है, उन्हें गिरने से कैसे रोके और पौधे को सूखने या मरने से कैसे बचाए, और इस पौधे को प्रोपोगेशन कैसे करें लीव्स से, और एक पौधा कैसे बनाए, बेबी प्लांट कैसे ग्रो करें। तो दोस्तों चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए आए या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये क्रोटन प्लांट, क्रोटन की कई सारी वैरायटी है मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था। तो आप ये जो प्लांट देख रहे हैं, मैंने इसकी अभी प्रूनिंग की है, कटिंग की थी टोटली, तो इसको छोटे छोटे लीव्स आए। तो कई लोग सोच रहे होंगे इसकी येल्लो लीव्स क्यों आए, येल्लो मतलब ये ख़राब लीव्स है या गिर जाते, पर ऐसा नहीं है। आप जब प्रूनिंग करते इस प्लांट की, अलग अलग प्लांट की अलग अलग ग्रोथ रहती है। तो मैंने प्रूनिंग की थी तो उसके टोटली जो लीव्स रहते येल्लो हो गए और बाद में उसको ग्रीन स्पॉट आने लगते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसकी भी, इस प्लांट की मैंने टोटली प्रूनिंग की थी, सभी ब्रांचेस कट की थी। ये बेहद ही खूबसूरत ग्रो हो चुका है। अभी तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बेबी लीव्स भी है और स्पॉट भी कितने फ्रेश लग रहे, लीव्स भी कितने फ्रेश लग रहे। अगर आप पौधा नर्सरी से लाते हैं परचेस करके और वैसे ही रखते 6 महीने या 1 ईयर तक, उसके पत्ते सूखने लगते, थोड़े से फ्रेश नहीं लगते, और दूसरे प्लांट्स, दूसरे छोटी छोटी ब्रांचेस या दूसरे बेबी लीव्स नहीं निकलते, तो आप जब इसकी प्रूनिंग करते तो इतनी सारी घना पौधा बन जाता है और बहुत सारे इसके लीव्स भी निकल आते। तो मैंने दूसरे प्लांट को इसी तरह से प्रूनिंग की थी और वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, अभी उसकी भी पत्तियाँ निकलने आए गए। तो दोस्तों बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो आप क्रोटन प्लांट से जो इसके पत्ते होते हैं, आप पत्ते को निकाल कर कट करके या तो वाटर में लगा सकते हैं या तो आप मिट्टी में डायरेक्टली इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये वाटर में भी रूट्स निकलता है, रूट्स आने के बाद आप इसे सॉइल में ऐड करें, पॉट में ऐड करें, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर इसके आप कटिंग भी लगाने चाहते हैं तो कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। कटिंग आप अच्छे से ग्रो करके एलोवेरा जेल मिलाकर आप इसको, इसकी कटिंग पॉट में लगा सकते हैं, ये भी अच्छे से ग्रो करता है। इसकी ग्राफ्टिंग भी की जाती है, मैंने अभी ग्राफ्टिंग ट्राई नहीं किया, पर मैंने इसको ब्रांचेस लगाने की, मैंने ब्रांचेस लगा दिए तो ये टोटली ग्रो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूंगी छोटी ब्रांचेस कैसी ग्रो हो जाती है। और ये लीव्स आप देख सकते हैं, ये अभी बेबी लीव्स है, इसकी प्रूनिंग की थी तो इसे बेबी लीव्स आए, और देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन स्पॉट इसको आने लगे, ग्रीन कलर आने लगा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये ख़राब पत्ते और गल जाएंगे, देखो पत्ता बिल्कुल फ्रेश है और उसका कलर ग्रीन ग्रीन हो रहा है। तो प्रूनिंग के बाद क्रोटन प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाता है, हेल्दी रहता है, ज़्यादा वाटरिंग की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, ज़्यादा धूप मत दीजिए और ज़्यादा शेडो में इसे मत रखिए, ब्राइटनेस में इसको रखिए, बालकनी, गैलरी या तो आप लिविंग रूम में रख सकते हैं, पर वहाँ पे ब्राइटनेस आता होगा, वहाँ पे आप इसको रखें, थोड़ी धूप, थोड़ा ब्राइटनेस, थोड़ी छाँव, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।